लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खबरदार जो इसे हाथ लगाया, ये बिस्तरा मैं जीते जी कभी ना दूंगा। ये मेरी जान के साथ है, किसी की अमानत है, किसी की निशानी है। अमानत निशानी? बेचारा पागल मालूम होता है। कौन पागल है? पागल तुम हो, पागल तुम सब हो के पागल को सता रहे हो। तुम सब के सब पागल हो, ये सारी दुनिया पागल है। कोई दौलतमंद होने की हवस में पागल है, मैं किसी को ढूंढने की धुन में पागल हूं। जब तो तुम पागल नहीं हो, ढूंढने वाला ही पाता है। अरे मारे मेरे दोस्त, तू मेरा हम ख्याल निकला। आओ आओ बैठे, आओ, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। वो अभी आएगी। कौन? जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, जिसका ये बिस्तर है। जब आसमान से सब सितारे चले जाएंगे, सिर्फ एक तारा बाकी रहेगा, सुबह के तारे की उजली रोशनी की तरह सफेद चादर ओढ़े हुए वो आ रही है। जब तुम रास्ता चलना नहीं जानती तो घर से बाहर क्यों निकलती हो? क्या कोई बीमार है? मैं आपको घर जल्दी पहुंचा दूंगा। आइए कार में बैठ जाइए। कार में चलने से बीमार को जल्दी दवा मिल जाएगी। घबराइए नहीं, आइए बैठ जाइए। कौन बीमार है? माता जी। क्या बीमारी है?
बीमारी का नाम तो डॉक्टर ही जानता है, मैं तो अपनी बदनसीबी समझती हूँ। इस रास्ते से चलिए। मैं भी आऊँ? बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। अब बहुत देर हो गई है, आप मेरे लिए ज्यादा कष्ट उठाई। आप ज्यादा दुखी ना होइएगा, दुनिया में हमेशा यही हुआ करता है, आने की खुशी बाकी नहीं रहती मगर जाने का गम बाकी रह जाता है। जब कभी कोई जरूरत हो जरूर याद कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। आपकी बड़ी कृपा। नहीं नहीं, कृपा कैसी। अच्छा लाइए, मैं दे आऊं। नहीं,
क्या कहूँ माँ, ऑफिस से आ रहा था, रास्ते में एक गरीब लड़की अपनी माँ के लिए दवा लिए जा रही थी, मेरी मोटर से कुचलते कुचलते बच गई। भगवान ने बड़ी दया की, फिर क्या हुआ? मैं उसे अपनी मोटर में बिठा कर उसके घर ले गया, बस उसने दवा का चमचा मुंह में डाला, उसकी माँ ने प्राण छोड़ दिए। उस बेचारी का कोई न था माँ, मुझे को अग्नि संस्कार करना पड़ा। तुमने आज भी भोजन नहीं किया होगा, सच है ना? हाँ, तेरे बिना मैं कैसे भोजन करती? माँ, मैंने तुमसे कितनी दफे कहा कि मेरी राह ना देखा करो, भोजन कर लिया करो, मगर तुम नहीं मानती, मेरी समझ में नहीं आता। अगर तू किसी की माँ होता तो सब समझ में आ जाता। सोगी, ए सोगी, सोगी ले, तेरे भैया आ गए। आ गए तो मैं क्या करूं? मैं उससे कभी नहीं बोलूंगी, और तुमसे भी। क्यों? मुझे खेलने कूदने में देर हो जाती है तो मेरे कान पकड़ती हो, और भैया को इतनी देर हो गई तो कान नाक भी नहीं पकड़ी। नाक भी नहीं पकड़ी? हाँ, मैं तेरी नाक पकड़ता हूँ। चल चल तेरे। ये ले, ये कोट रख। ए, इधर आ, जूता उतार, फीते खोल। हाँ, बस आ गए हुकूमत करने, ये कर वो कर। हाँ ठीक, जा एक ग्लास पानी ला। पानी? तो अब तुमको वो ही पिलाएंगे। वो कौन? वही जिनसे तुम्हारी मंगनी होने वाली है। भाभी? हाँ भाभी, आज शाम को आ गई। शाम को आ गई? हाँ। कैसे आ गई? सच? भाभी आई, भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, भाभी आई। जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का ढील था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। रेल ने सीटी मारी, जल्दी में गिरी बेचारी, भाभी का ढील था मोटा और रेल का डिब्बा छोटा। मुश्किल से जाके उसने वो समाई, भाभी आई, भाभी आई। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन, भाभी ने जो घूंघट खोला तो आँख में पड़ गया कोला। खिड़की से निकाली गर्दन और भग भग बोला अंजन, भाभी ने जो घूंघट खोला तो आँख में पड़ गया कोला। भाभी जी ने आँख भी गवाई, भाभी आई, भाभी आई। पान मेरी माटी सिगरेट, पान मेरी माटी सिगरेट। चाय करी एम, चाय करी एम, चाय करी एम। फूटा तांगे का पहिया टूटा, भाभी ने बुलाया तांगा, उसने एक रुपया मांगा। कानी का नसीबा फूटा, तांगे का पहिया टूटा। ठुमक 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 पैदल आई, ठुमक 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 पैदल आई, भाभी आई, भाभी भाभी। घूंघट खोलो, आओ भैया से बोलो, आओ आओ। लो भाभी घूंघट खोलो, आओ
भैया से बोलो तबीयत हमारे भैया के ललचाई भाभी आई भाभी आई। मक्कू मक्कू हाजिर साहब। मक्कू क्यों रात में इतनी अफीम पीते हो जो दिन को भिमघा करते हो? हुजूर इतने कहाँ पीता हूँ। आज की डाक नाक 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 जरा जुकाम से लाल हो गई है। बेवकूफ चिट्ठियाँ वो तो अभी नहीं आई। कैसे हो सकता है? हो तो नहीं सकता मगर हो रहा है हुजूर। जाओ कल जो मैंने मिस नेवी से नोट लिखवाया था वो नोट ले आओ। जी हुजूर। मिस साहब राम प्रसाद जी। जी देखो मुझे आज एक जरूरी मीटिंग में जाना है वह मुझे देर हो जाएगी। अगर कोई जरूरी कागज आए तो घर भिजवा देना। जी मिस नेवी मेरा ब्रीफ केस देना। मक्को जी पानी ला। जी हुजूर। आपका ब्रीफ केस यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है? मक्को मेरा ब्रीफ केस कहाँ है? क्या हुजूर? ब्रीफ केस हुजूर अपने ऑफिस में बर्फ केस नहीं है। अरे बाबा बर्फ केस नहीं ब्रीफ केस। ब्रीफ केस ऑफिस बैग। मैं आ सकती हूँ? ये रहा आपका बैग। अच्छा आपके यहाँ भूल गया था। आपने आने की क्यों तकलीफ उठाई? किसी के हाथ भिजवा दिया होता। मेरे पास ऐसा कौन भरोसे का आदमी था? इस पर आपका पता लिखा हुआ था इसलिए ये जगह आसानी से मिल गई। दूसरी मैं ये समझती थी इसमें आपके बहुत जरूरी कागजात होंगे। कोई आपका काम न रुक जाए। नमस्ते। ठहरिए मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आपको घर छोड़ दूंगा? नहीं नहीं आप तकलीफ न कीजिए मैं चली जाऊंगी। तकलीफ कैसे? चलिए हुजूर पानी। हाँ फिर पीऊंगा। आपने ऑफिस में पानी नहीं पिया था। आइए पानी पीते जाइए। फिर वही मोटर वही जेंटलमैन। हो गई कुछ गड़बड़। ये राम कौन सा जमाना लगा है। बस तुम यूं ही ठंडी सांसें भरते रह जाओगे और चिड़िया फुर से उड़ जाएगी। कौन है? मैं हूँ पद्मिनी जी। दूध वाला। इसलिए आया हूँ घर में बड़े मेहमान आए हैं शायद आपको दूध वूध की जरूरत हो। नहीं कुछ नहीं चाहिए आप जाइए। मैंने कहा आप जाइए। हे राम कौन सा जमाना लगा है। पर मोहल्ले के लोग बिठा ले जाएं और मोहल्ले वाले निकाले जाएं। क्या कहते हो? गुस्सा न कीजिए आराम से बैठिए। घर में बेचारी बेवा अकेली है उसे आप जैसों की सख्त जरूरत है। शर्म नहीं आती क्या बकते हो? यही कि अभी मोहल्ले वाले मर नहीं गए जो तुमने पर मोहल्ले वालों को बुलाया। चुप होता निकल जाओ यहाँ से। जाता हूँ सरकार मगर ये कह जाता हूँ कि पाप का घड़ा फूटे बिना न रहेगा। निकल जाओ यहाँ से। कितने नीच विचार। आखिर इन मोहल्ले वालों को आपसे क्या दुश्मनी है? बेवा जो ठहरी इन लोगों का बुरा बर्ताव देखकर हम लोगों ने इनसे आना जाना मिलना जुलना सब बंद कर दिया। मैं भी आपसे ये जरूर कहूंगा कि इन लोगों से आपको व्यवहार न रखना चाहिए बल्कि घर से बाहर न जाना चाहिए। क्या ये हो सकता है
क्या आपको जरूरत का सामान मैं दे जाया करूं? लेकिन आप कब तक मेरी मदद करेंगे? अब मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। बेशक आपको ये जरूर सोचना चाहिए, लेकिन अगर किसी कमजोर को खड़ा करने के लिए कोई सहारा मिल जाए, मैं कल ऑफिस से वापसी पर सब लेता आऊंगा। मजबूर ही करते हैं तो ये लीजिए। ये रुपए किस लिए? अपना सामान मंगा रही हूँ। क्यों, सोचते क्या है, लेते क्यों नहीं? मोहन साहब, इतनी ही हमदर्दी कीजिए जितना बोझ मैं उठा सकूं। अच्छा, सुन लिया आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर में साहब बहादुर लेफ्टिनेंट की तरह मोटर फड़फड़ाते हुए चले आएंगे। देखो तो गुरुजी, हमारे मोहल्ले को वेश्या बड़ा बना दिया है। आ रहा है। ए बाबूजी, 500 खाते जाओ। देखो तुम जल्दी से गाड़ी ले जाओ, माता जी को मंदिर जाना है, मैं चलाऊंगा। आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ कैसी, लीजिए ये दाम बचे हैं, अगर कोई चीज कम हो तो ला दूंगा। अच्छा मैं जाता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि घर आया हुआ मेहमान कुछ खाए बिना चला जाए? नहीं नहीं, मगर हो सकता है कि मेरे हाथ का पकाया हुआ आप पवित्र न समझे, तो फिर मैं आपको मजबूर नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसा ना सोचिए, अगर आप ये ख्याल करती हैं तो मैं जरूर खा के जाऊंगा। आप बैठिए, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। लाइए, मैं भी कुछ काम करूं। नहीं, ये आपका काम नहीं है। आप क्या समझती हैं कि सिर्फ औरतें ही ये काम कर सकती हैं? जी हाँ। जरा देखिए तो सही। अभी जब मैं आ रहा था तो पान वाले की दुकान पर कुछ लोग जमा थे, मुझे देखते ही आवाजें फेंकने लगे, शायद इस वजह से कि कल मैंने दूध वाले को डांटा था। समझ में नहीं आता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता तो किस्मत के साथ दुनिया भी खिलाफ हो जाती है। एक कमजोर तिनका अगर तूफान में फंस जाए तो पानी की छोटी छोटी मौजें भी उसे थपेड़े मारती हैं। वो कभी इधर गिरता है कभी उधर, अपना भी वही हाल है। बड़े अफसोस की बात है कि एक बेसहारा औरत की देखभाल करने के बजाय उसकी मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हैं। कितने गिरफ्त, कैसे जलील हैं ये लोग। काट रहा हूं, मैं किसी ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जहां पहुंचने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है। ये आप बच्चों की तरह क्या कर रहे हैं? शायद वही बदमाश है। तुम न जाओ, कहीं वो तुम्हारी बेइज्जती न करे। नहीं सामान पर घुस आएंगे। जाने दो मुझे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? एक इंसान और इंसानियत का फर्ज अदा करने आया हूँ। तुम जानते हो कि ये बेवा है
और अगर एक बेवा पर पुरुष के साथ एकांत में रहे तो हमें क्या समझना चाहिए? समझने के लिए तो तुम कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन तुम जो समझ रहे हो वो तुम्हारी भूल है। बेशक हमारी भूल है कि हम पद्मिनी को एक शरीफ लड़की समझकर चुप के बैठे रहे, मगर अब नहीं बैठ सकते। हाँ, हमारे मोहल्ले में ये पाप नहीं हो सकते। तुम्हारे मोहल्ले में पाप नहीं हो सकते, मगर तुम्हारे मोहल्ले में ये हो सकता है कि मोहल्ले वाले एक गरीब लड़की को लावारिस समझकर बदनाम करें, उसे डरा कर दबा डालकर खोटा लाभ उठाने की कोशिश करें। सुन लो पंडित जी, तुम सब अनपढ़ और जाहिल हो। जाहिल? पंडित जी और गुरु जी जाहिल? हाँ जाहिल, बेशक जाहिल हो कि बगैर सोचे समझे एक बेगुनाह को गुनहगार साबित कर रहे हो। भाइयों क्या देखते हो, तोड़ दो हड्डी पर। दरवाजा बंद करके अंदर चले गए, मत हो तो बाहर निकल आओ। जाइए पंडित जी, आप और गुरु जी घर जाइए, हम लोग निपट लेंगे। मुझे जाने दो। तुम अकेले और बहुत से, मैं तुम्हें इस वक्त हर किस में जाने दूंगी। मेरी इज्जत से तुम्हारी जान ज्यादा प्यारी है। चलो थोड़ी देर छत पर आराम करो, फिर चले जाना, मैं आकर तुम्हें बुला लूंगी। चलो। मुझे अपने जाने की चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अभी आती हूँ, जाओ। चाचा ऐसा मौके पे धर लिया, अब फंसे पड़े हैं बेटा। आज हड्डी पसली तोड़ के घर भेजूंगा। देखो भाई, मेरी तो ये सलाह है कि पुलिस में रपट लिखाकर कचहरी में दरखास्त दे देनी चाहिए कि ये एक बेवा होकर शरीफ मोहल्ले में पेशा का पेशा कर रही है। ठीक कहते हो, हम सबकी गवाही हो जाएगी और फौरन मोहल्ले से निकाल देने का हुक्म हो जाएगा। अजय चाहे कुछ भी न हो, दोनों के मुंह में कालक तो लग जाएगी। चाहे जान रहे के चाहे, मैं पद्मिनी को अकेला नहीं छोड़ सकता। वही जो तुम्हारे मोहल्ले वाले कह रहे हैं, यही ना। मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे तो परवाह करनी चाहिए, मेरे हाथ पैरों में जाति और रस्म रिवाज की फौलादी जंजीरें पड़ी हुई हैं।
अगर कोई इस रस्म रिवाज की फौलादी जंजीरों को काटकर तुम्हारे हाथों में सुहाग के कंगन पहना दे, तुमसे शादी करके अपनी दुल्हन बना ले। दुल्हन? हाँ? हमारे समाज में औरत जिंदगी में सिर्फ दो मर्तबा दुल्हन बनती है, एक जब उसका डोला सजाया जाता है और दूसरे जब उसकी अर्थी सजाई जाती है। अब मेरा श्रृंगार सुहाग की चूड़ियां नहीं, ये सफेद वस्त्र है और मेरा सहारा ये कंबल है, यही मेरा धर्म है और यही मेरी जिंदगी के साथी। फिर सोचना पद्मिनी, ठंडे दिल से गौर करना, मैं फिर आऊंगा। नहीं नहीं, तुम अब यहां ना आना। क्यों, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? वो मेरे नसीब में कहा, मैं ये समझूंगी कि उम्मीदों के आसमान पर सुबह का तारा चमका और जी भर के देखने भी न पाए थे कि गायब हो गया। पद्मिनी, तुम कुछ भी कहो, कल मैं फिर आऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। स्टेशन पर लेने आते। चाचा जी कहाँ हैं? वो अफ्रीका गए हुए हैं। और चाची? माता जी, माता जी, लो पद्मिनी दीदी आ गई। पद्मिनी, ये मनहूस क्यों आ गई? अपने सुहाग को खा गई, माँ बाप को खा गई, अब हमारे घर आ गई। हाय हाय मेरी बेटी, तेरी माँ को क्या हो गया? हाय हाय, तू लावारिस हो गई। एक दो दिन चाची, मैं तो यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। हमेशा? ये कैसे हो सकता है बेटी, कोई भला अपना घर छोड़ देता है? मैं उस घर में अकेली कैसे रह सकती हूँ? वहाँ मेरी रक्षा करने वाला कौन है? चाची, अब तो इस दुनिया में आप ही लोग मेरे लिए सब कुछ हैं। बेटी, मेरे आगे भी तो जवान लड़की है, मैं एक बेवा को अपने घर में कैसे रख सकती हूँ? नहीं चाची, ऐसा न कहिए, मैं घर का सब काम काज करूंगी, आपसे किसी बात को न कहूंगी, आपको कोई तकलीफ न दूंगी। माता जी, पद्मिनी दीदी को यहाँ रहने दीजिए। ना रो दीदी,
आओ मेरे साथ। क्या हो रहा है बहन? ये कौन है? एक बेवा है, आ गई है। मिस रानी जी, तू बहुत काम 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 शोर मचाया करती थी, ले ये आ गई है। तुझे जब जरूरत पड़े तो अपना हाथ बटाने के लिए इसे बुला लेना। आ गई। मिस रानी, ए मिस रानी। बैठो दीदी। देख मिस रानी, आज मेरी दीदी आई है, पद्मिनी दीदी। आज खाने में खूब बढ़िया बढ़िया चीजें बनाना, गरम गरम कचौरियाँ, दही के भल्ले, समोसे, हलवा, खीर, ये चीजें खास तौर से बनेंगी। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं अकेली इतनी चीजें कैसे बना पाऊंगी? मैं तो वैसे ही आजकल कई दिनों से बीमार रहती हूँ। देखो तो मेरे कपड़े भी कितने ढीले हो गए। अरे बीमारी की बच्ची, मैंने जो कुछ कहा सब बनाना होगा, जाती है या नहीं? चल पहले जाकर जल्दी से दीदी के लिए नाश्ता ला। भारती रहने दो, मैं नीचे जाके नाश्ता कर लूंगी और कुछ कामकाज में भी हाथ बटाऊंगी। आज तुम कुछ कामकाज ना करना, पहले नाश्ता करना, दोपहर को मेरे साथ खाना खाना, शाम को घूमने चलना और फिर रात को हम बैठ के जी भर के बातें करेंगे, लंबी लंबी गहरी गहरी बचपने की। बचपन की? हाँ हाँ दीदी। और तुम्हें याद है ना, एक दिन अपने स्कूल के सालाना जलसे में हम दोनों ने हकनों का गाना गाया था? हाँ, लोग कितने खुश हुए थे, कितनी दूर दूर से तालियां बजाई थी। क्या था वो गाना? हाँ, दो हकलो का सुनो फसाना, दो हकलो का सुनो फसाना, नया शिष्य और गुरु पुराना, हकलो का फसाना, दो हकलो का सुनो फसाना, नया शिष्य और गुरु पुराना, हकलो का फसाना। शुरू गुरु ने किया लिखाना, लिखो नमक वाले का गढ़ा, काम था भारी वो जो उठाना, पार नदी के लेकर जाना, उस पे मालिक के अंडे खाना, गधे को सूझा एक बहाना, जान बूझ के बोझ गिराना, पानी में सब नमक मिलाना, जालिम को क्यों सबक सिखाना, किया गुरु ने बंद लिखाना, नए शिष्य से कहा सुनाना, हकलों का फसाना, दो हकलों का सुनो फसाना, नया शिष्य और गुरु पुराना, हकलों का फसाना। शुरू शिष्य ने किया सुनाना, सुना नमक वाले का गग 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 गधा, तीन जाना गुरु ने उस पर डंडा ताना, हकलों का फसाना। गुस्से से बोला गुरु दीवाना, कल मेरी करो दी, मुझे गरम करो दी, डूब मरो जी। सुनो रे गुरु जी, माफ करो जी, पागल धर तेरे के निकल जाओ जी। हुआ खत्म अब हक लगाना, बंद करो अब हंसना हसाना, हकलों का फसाना, दो हकलों का सुनो फसाना, नया शिष्य और गुरु पुराना, हक
फसाना। नहीं जी, ये हेड ऑफिस से ऑर्डर आया है गंगापुर के ऑफिस के इंचार्ज मिस्टर कैलाशनाथ ने 25,000 रुपया गबन किए हैं। हा? आज ही किसी को गंगापुर जाकर उसे गिरफ्तार करवाना हो। माँ, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मगर तबीयत तो तुम्हारी अच्छी नहीं। नहीं माँ, अब अच्छी है और कुछ आबो हवा भी बदल जाएगी। हाँ ठीक है, कहाँ जा रहे हो? गंगापुर। गंगापुर? जी। जब तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पिताजी ने राय बहादुर अमरनाथ जी की लड़की से शादी की बातचीत की थी, तुम वहीं जाके ठहरना और लड़की को भी देखते आना। मगर माँ, अभी शादी की क्या जल्दी है? बेटा, जल्दी जल्दी कहते कहते तो 2 साल हो गए और यही हसरत लिए हुए तेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। अगर तेरी यही खुशी है तो मैं भी इसी तमन्ना में दुनिया से चली जाऊं। बेटा, अगर तुमने कोई और लड़की सोची हो तो वो बता दे, मुझे तो मतलब अच्छी बहू से, अपनी जिद से नहीं। माँ, वो कौन है वो लड़की? कोई नहीं, कोई नहीं माँ। माँ रो रही है? हाँ। अब वो नहीं रोएंगी। माँ, मैं वहीं ठहरूंगा। मेरे लाल। जल्दी से मांझ कर लाती हूँ, तुम जाओ अपना काम करो। अजी बात है, कम किया करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीखो। इतनी देर हो गई, बस इतने ही से बासन मांजे गए? बेहुदा, खुद बैठी है और दीदी से काम करवा रही है और फिर उन्हीं को आंखें भी दिखाती है। चल उठ, तू मांज सारे बर्तन। उठ, चल चल बैठ वहां। मैंने काम किया तो क्या हुआ, और फिर मैं बैठकर भी क्या करूंगी? तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ खेलो। मैं खेलूंगी? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगी, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा मेरी अच्छी दीदी। चलो खेलें।
कस्तूरी जी, कस्तूरी जी, कहाँ गई कस्तूरी जी? क्या है बहन, गांव से थोड़े धान आ गए हैं और कल्लू इतना बड़े नखरे किए बैठी है। हाँ भाई, आज तो नौकरों के बड़े मिजाज हो गए हैं, सारे धान चूहे खाए जाते हैं। आपके घर में भी कोई खाली नहीं दिखाई देता। नहीं नहीं, तुम्हारा काम अपना ही काम है, मैं अभी पद्मिनी को भेजे देती हूँ। बहना, देखो, दूल्हा, आया, गायो, नाचे। अरे पद्मिनी, तुझे इतनी भी समझ नहीं? आओ। सिर्फ इतने से है, ज्यादा नहीं, बस 7-8 दिन लग जाएंगे। आप विश्वास रखिए, मैं सब कूट दूंगी। कूटना आता है ना? जिन्हें नहीं आता उन्हें किस्मत सब सिखा देती है। ले कल्लू की माँ, ये अपना हिसाब, और निकल जाए यहाँ से। एक तो मुंह मांगे दाम दे और ऊपर की इनके नखरे सहे। तेरे जाने से यहाँ काम नहीं रुकेगा। तुझसे भी बड़े धान कूटने वाली लाई हो और वो भी मुफ्त। चल निकल। खुशी अच्छी है हमें और ना मलाल अच्छा है। हम कुछ इस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। किस्मत ने हमको जुल्म उठाना सिखा दिया। अब तो मुसीबतों से भी राहत सी हो गई। अब तो मुसीबतों से भी राहत सी हो गई। कुछ ठोकरे आदत सी हो गई। दर दर की हमको ठोकरे खाना सिखा दिया। दर दर की हमको ठोकरे खाना सिखा दिया। किस्मत ने हमको जुल्म उठाना सिखा दिया।
वो आ रहे हैं। वो कौन? वो जो अच्छा अब समझी, तुझे देखने आ रहे हैं। कब? कल सुबह की गाड़ी से। सच? चलो चलो उनके लिए कमरा सजा दे। आओ पद्मिनी, हम कमरा सजाने जा रहे हैं, तुम भी साथ में लग जाओ। कल भारती को देखने के लिए लड़का आ रहा है। अरे शंकर विशन मिस्तानी आओ कुछ। देखो तो जरा मुखला। मेहमान आ गए। आ गए? जी हाँ। भारती जा अंदर जा। जाओ पद्मिनी जल्दी से नाश्ता तैयार कर। नमस्ते। आओ, मैं हूँ तुम्हारी होने वाली सास। तुम्हारे ससुर तो अफ्रीका गए हुए हैं। अफ्रीका? हाँ। चलो अंदर चलो। तुम्हारी माता जी तो अच्छी है। जी अच्छी है। आओ आओ बैठो। मेरी वजह से आप लोगों को बेकार तकलीफ हुई। किसी होटल में ठहर जाता मगर माता जी ने मजबूर कर दिया। हमें तो बड़ी खुशी हुई। माफ कीजिएगा, जरा मुझे जल्दी जाना है, कपड़े बदल लूं। हाँ हाँ कपड़े बदल लो, कुछ नाश्ता कर लो। मैं भारती को बुलाती हूँ, उससे भी मिलो। नहीं नहीं अभी तो मुझे ऑफिस के काम के लिए पुलिस से मिलने जाना है। वो खुशी खाना कहाँ है? वो रहा। बड़ा अजीब लड़का है। अरे तुम नाश्ता लाए? और मित्रानी क्या कर रही है? वो काम कर रही है। अच्छा जाओ जल्दी से रखो, वो कुछ खाने में कपड़े बदलने गए हैं। मैं अभी आती हूँ। चाय पी ली थी। तो फिर दोपहर का खाना? मैं दोपहर तक ना आ सकूंगा, शाम को आऊंगा। आप मेरे लिए ज्यादा तकलीफ न कीजिए। अजीब लड़का है। ठीक है भाई, शादी से पहले सभी लड़के ऐसी ही बातें करते हैं। कैलाशनाथ नाम है। 25,000 रुपए का गबन किया है। आप आज ही मजिस्ट्रेट की अदालत में दावा कर दीजिए, फौरन गिरफ्तारी का वारंट मिल जाएगा। बहुत अच्छा, सबूत तो मुलजिम के खिलाफ काफी मौजूद हैं। चलिए मुझे भी कचहरी जाना है, आपके साथ ही चलता हूँ और जो मदद हो सकेगी करूंगा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो 3 बज रहे हैं। वो आते ही होंगे। ये निगोड़े बाल आज किसी तरह ठीक ही नहीं होते। ला मैं ठीक कर दूं। दीदी तुम जब दुल्हन बनी थी तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? मैं क्या जानू, मैं तो उस वक्त बहुत छोटी और ना समझती। फिर अब तो तुम्हारा दुल्हन बनने को दिल चाहता होगा। दिल? अब मेरे पास दिल ही कहाँ है। लो, अब तो बाल ठीक हो गए।
मुझे दो, मैं दूसरा टीका लगा दूं। मेहमान आ गए। आइए बैठिए, मैं उन्हें बुला लाता हूं। बैठो बेटा, बैठो, आओ बेटी, शर्माओ नहीं, कुछ नाश्ता कर लो बेटा, दिन भर के भूखे होगे। भारती चाय बनाओ। माफ कीजिएगा, अभी चाय पीने को जी नहीं चाहता। अच्छा तो और कुछ खाओ, ऑफिस का काम खत्म हो गया? अभी नहीं। आराम से बैठो। आराम? आराम तो अब जिंदगी में मुश्किल ही से मिलेगा। क्यों घबराते हो, मेरी भारती तुम्हें बड़ा आराम पहुंचाएगी। लीजिए खाइए। जी नहीं चाहता। अच्छा खा लेता। लड़का बड़ा खूबसूरत है, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी दिखेगी। है? जल्दी पकाओ, जल्दी पकाओ। बांध रहे हो? मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं यहाँ कोई काम ना कर सकूंगा, बेहतर है मैं किसी होटल में ठहर जाऊँ। मगर यहाँ तुम्हें काम करने से कौन रोकेगा? ये मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। भोजन तो करते जाओ। मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्या ये शादी तुम्हें मंजूर नहीं? मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। मेरी भारती पसंद नहीं? भारती शादी ये सब आप माताजी से पूछिए, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकता। भारती न रो बेटी, न रो, सब ठीक हो जाएगा, चल अपने कमरे में चल। क्या तुम जिंदा हो? मगर तुम मुझे मुर्दा समझो। मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। अगर तुम्हें मेरी बर्बादी का ख्याल होता तो तुम मुझसे कहे बिना घर छोड़कर चले नहीं आती। गुस्सा न करो, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मेरा ख्याल छोड़ दो। ख्याल मेरे बस में नहीं, मैं ख्याल के बस में हूँ जो दिमाग से कभी नहीं निकल सकता।
मैंने बहुत से नगीनों में एक नगीना चुना था और उसके बदले में अपना दिल दिया था, मगर वो नगीना फूटा हुआ है, वापस कर देना चाहिए। नगीना वापस हो सकता है मगर दिल वापस नहीं हो सकता। अच्छा अब समझी कि तेरी वजह से ये घर छोड़ दिया। क्या कहती हो चाची? यही कि माँ बाप की नाक कटवाकर हमारे घर को बदनाम करने आई है। मैं बेगुनाह हूँ चाची। बेगुनाही तो जाहिर हो रही है, मोहन को धोखा देकर यहाँ भाग कर आई, अब यहाँ किसी को धोखा देकर कहीं और चली जाना। चाची कुलकर्णी डायन भी अपना मोहल्ला बचाकर खाती है, मगर तू तो उससे भी बढ़ गई कि तूने अपने बहनों ही पर हाथ साफ कर दिया। निकल निकल मेरे घर से। चाची मुझे नहीं खाली, अगर भतीजी नहीं तो अपनी दासी समझकर मुझे यहाँ रहने दीजिए। मुझे दास देने के लिए सिर्फ एक छोटा सा सुना दीजिए। आप लोगों की जो जूठन बचेगी उसी से अपना पेट भरूंगी। मुझे नहीं खाली, मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं एक बदमाश औरत को अपने घर का कोना भी नहीं दे सकती। निकल यहाँ से, चल। चाची मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता। पूछते पूछते तो लोग बैकुंठ पहुंच जाते हैं। निकल निकल यहाँ से। ये ले अपना बिस्तर, निकल जाए यहाँ से। सीधी चला नहीं जाया जाता, फिर जाओ यहां से। ए, कौन है यहाँ? रात को बैठने का हुक्म नहीं है। क्या चीज है? कोई नौकरी करोगे? बेचारी बेवा मालूम होती। इधर भी तो एक बेचारी सुहागन बैठी है। कोई बेचारी भूखी मालूम होती है, महंगाई भी तो किस कदर बढ़ गई है। चलो इसे अंदर ले चले। बन लो जल्दी। उस्ताद जी कौन है ये? कोई बेचारी भूखी है, बेहोश होकर गिर पड़ी थी। आपको बुलाते हैं, आई इसे होश में आने के बाद कुछ खाने को दीजिए। अरे पानी ला पानी ला। हजारों जुल्म सहे
मारते थे, आज मेरी ठोकरें खा रहे हैं। जो कल मुझे एक पैसा भीख देने में बगले झांकते थे, आज मेरी एक हल्की सी मुस्कुराहट पर नोटों के बंडल निछावर करते हैं। मगर अगर मगर क्या है, और सुनती जा। कल मैं एक गरीब बेवा भिखारन से बदतर थी, आज इस कोठी की मालिक हूँ। नौकर चाकर मोटर गाड़ी सभी कुछ भगवान ने दिया है। नहीं नहीं, ये जगह मेरे लिए नहीं। क्यों, क्या तू खूबसूरत नहीं, दिलकश नहीं? देख, इस घर में आते ही तेरा भाव बढ़ गया।
इस मैली कुचेली हालत पर तेरी कीमत 1000 लग रही है। अगर बन संवर कर बैठेगी तो बैंकों के दरवाजे खुल जाएंगे। शरीफ औरत भूखी मर जाएगी मगर ये जलील पेशा कभी ना करेगी। और सर्दी से बचने के लिए थोड़ी देर यहाँ खड़ी हो गई है। लेकिन यहाँ तो पानी की बौछार से भीग रही हो। अंदर आकर बैठो। डरो नहीं बच्चू, ये बेचारी कोई गरीब है, इसे कुछ ओढ़ने को दे दो। आओ अंदर, घबराओ नहीं। मैं बाहर जाकर खाने का कुछ सामान ले आता हूँ। बहुत अच्छा। अरे वो वहीं खड़ी है जी, उसे अंदर बैठने को कह दो। जी अच्छा। आइए अंदर बैठिए। बैठो बैठो, शर्माओ नहीं। तुम्हारा नाम? पद्मिनी। पद्मिनी? भाई वाह 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 वाह, मालूम होता है तुम्हारा नाम किसी शायर ने रखा है। तुम मुझसे डरना नहीं, मेरी तो ऐसी ही आदत है। मालूम होता है आपने कोई नशीली चीज पी है। कहाँ जाओगे, बाहर बारिश बहुत है, भीग जाओगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ओ जाने वाले, अरे जरा ओ जाने वाले, रुख से आंचल को हटा देना। जराओ जाने वाले, रुख से आंचल को हटा देना। तुझे अपनी जवानी की कसम सूरत दिखा देना। भाई वाह 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 वाह, अगर पूछे वो कासिद तुझसे मेरी खाना बर्बादी, अगर पूछे वो कासिद तुझसे मेरी खाना बर्बादी, हथेली पर जरा सी खाक लेना और उड़ा देना।
जाने वाले रुख से आंचल को हटा देना। वाह 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 वा, आज तो आज तो आज तो यार ये एकदम वाह 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 हो गई। क्यों क्यों भैया कैसी तानली अच्छी है ना। शराबे हुस्न के आगे न भरना जाम साकी, आँखों आँखों से पिला देना। न भरना जाम साकी, आँखों आँखों से पिला देना। धराओ जाने वाले रुख से आंचल को हटा देना। भाई वाह 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 यार वाह कमाल हो रही है आज तो। अरे तुम्हारा क्या गया। अरे भाई समझना नहीं आया कि मुझे चढ़ गई है। तुम्हारा क्या गया दिल पर हमारे गिर पड़ी बिजली। अरे उसी अंदाज से जालिम जरा फिर मुस्कुरा देना। उसी अंदाज से जालिम जरा फिर मुस्कुरा देना। जरा ओ जाने वाले रुख से आंचल को हटा देना। भाई वाह 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 अरे वाह यार वाह कमाल है। खोलो। तुमने मुझे अंदर बंद कर दिया। अच्छा मैं तुम्हें बंद किए देता हूँ। खुद चले आएंगे नालों में असर तो होने दो। ये है कैलाशनाथ। कैलाशनाथ ए कैलाशनाथ इतनी शराब पी है कि बिल्कुल बेहोश है। कैलाशनाथ ए कैलाशनाथ कैलाशनाथ आ गई प्यारे। तुमने मुझे बंद कर दिया था ना। ए होश में आओ तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट भाई वाह 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 तुमने ये वारंट का भारत रखो निकाला है। ए पढ़ो लगाओ हथकड़ी। हथकड़ी हाँ हथकड़ी। तुम ऑफिस के बड़े पुराने और ईमानदार नौकर थे लेकिन तुम्हारी शराबखोरी ने तुम्हें इस दिन को पहुंचा दिया। ले चलो भाई वाह 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 वा। पत्नी 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 आंसुओं के धारों में मुसीबत नहीं बहती जो कुछ हुआ वो भूल जाओ और ये सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मालूम है कहाँ जा रही हो। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरी किस्मत की रेल कहाँ जा रही है, कौन सा स्टेशन आएगा और मुझे कहाँ उतरना पड़ेगा। अब तो तुम अपनी जिद का नतीजा देख चुकी। ये मालूम कर चुकी कि मेरे लिए दुनिया में कोई सहारा नहीं। ये तुम्हारा ख्याल है। सहारा तो है मगर तुम उसे सहारा नहीं समझती।
फिर वही जिद। जिद नहीं, मेरा नसीब ही ऐसा है। ऐसा ना करो, मैं तो तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद बना चुका हूं। अब तुम्हारी मुसीबतों के दिन गुजर जाएंगे। पत्नी, इन आंसुओं को हमारे मिलन की खुशी के आंसू में बदल दो। मिलन? हाँ, अब मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तुम और मुसीबत में फंस जाओगे। तुम उसकी चिंता ना करो, मैं जरूर ले चलूंगा। अब तुम इतनी परेशान हो गई हो कि तुम्हें सोचने की भी शक्ति नहीं रही। देखो उधर देखो, जब हम गंगापुर से चले थे तो कितनी अंधेरी रात थी, और अब कुछ कुछ रोशनी दिखाई देती है। हाँ देखो, वो सुबह का तारा चमक रहा है। उस सुबह के तारे की तरह मैं भी तुम्हारी किस्मत का सितारा चमकाना चाहता हूं। ये तुमने क्या किया? टीका लगाया है। टीका? घबराओ नहीं, ये टीका मैंने खूब सोच समझ कर लगाया है। अब हमारे दरमियान ये एक अटूट बंधन हो गया है। अटूट बंधन? हाँ पत्नी, देखो मेरी तरफ देखो। मोहन, इस टीके से तुम कितनी अच्छी मालूम होती हो। लेकिन तुम्हारे घर वाले? मैं मौका पाकर माँ को सब समझा दूंगा। वो बड़ी अच्छी है, मैं उन्हें राजी कर लूंगा, वो मुझे कभी ना नहीं करेंगे। लेकिन ये झूठ कब तक चलेगा? इस झूठ का जिम्मेवार मैं, तुम किसी से कुछ ना कहना। हाँ छोड़ो ये बात, देखो कितनी चमक है उस सुबह के तारे में। मालूम होता है आसमान की अंगूठी में हीरा चमक रहा है। गया अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। तन में आई अरमानों ने ली अंगड़ाई, जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी। हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। Oh,
उतरिए। अरे आज अपना बिस्तर कैसे भूल गई? आ गए बेटा, अब तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल ठीक हूँ माँ। ये कौन है? ये वही हैं जिनकी माताजी का उस दिन देहांत हुआ था। बेचारी को अकेला समझकर दुनिया भर ने परेशान कर दिया है। अब इनका कोई नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है माँ। हाँ बेटा, बुरे वक्त में कौन किसी का साथ देता है। इसीलिए मैं इनको अपने घर ले आया हूँ। बड़ा अच्छा किया। देखो बेटी, इस घर को पराया घर ना समझना। जैसे मैं मोहन की माँ, वैसे तुम्हारी। माँ, ओह माँ कितनी सुंदर है भाभी। ये तेरी भाभी नहीं, बहन है। जा बेटी नहा दो, जा इन्हें गुस्ल खाना बता दे। जा बेटा तुम भी नहा धोलो और नाश्ता कर ले आओ। सफेद कपड़े क्यों पहने? ये तो हम लोगों का पहनावा है। ठहरो। मेरी बहन है या भाभी? तू क्या समझती है? मैं तो ये समझती हूँ कि तुम इन्हें देखकर मन ही मन में मुस्कुराते हो। जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ मोहन, नाश्ता तैयार है।
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं पद्मिनी से शादी करूंगा। माँ, मोहन, इतनी रात हो गई अभी तक जाग रहे हो? माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। अभी बीमारी से उठा है, देर तक जागने से कहीं तबीयत फिर ना खराब हो जाए। चल ऊपर चल, अब मैं तुझे सुला कर आऊंगा। माँ, वो लड़की कुछ मुझे पसंद नहीं आई। ऐसा? मगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। हाँ, ये अच्छा किया। अब मैं कस्तूरी जी को शांति से चिट्ठी भेज दूंगी कि उन्हें बुरा ना लगे। आज आपको मीटिंग में जाना है ना? अरे हाँ। अच्छा माँ, मैं शाम को बताऊंगा। आज मैं ऑफिस से वापसी पर माँ से जरूर जरूर कहूंगा। देख लेना, माँ जरूर हाँ कह देंगी। भैया, 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 भैया। अरे छोड़ छोड़, मुझे मीटिंग में जाने को देर हो रही है। जा जा, पहले मेरा कमरा ठीक कर दे। जा। आज तुम्हें ऊपर का कमरा दिखा दूँ? आज नहीं, फिर देख लूंगी। नहीं, तुम्हें अभी चलना होगा। चलो। मेरा कमरा। अरे, ये सब चीजें कैसे दिखनी पड़ेगी? क्या देखती हो? बच गए, स्कूल जाने का टाइम हो गया। पहले कमरा ठीक करना, तब आना। Thank you.
चिट्ठी किसे लिख रही हो माँ? गंगापुर कस्तूरी जी को। तेरे भैया को उनकी लड़की पसंद नहीं आई, उस बिचारी को लिख रही हूँ। माँ मैं एक बात कहूँ, मानोगी? पहले बात तो बता। नहीं, पहले कहूँ मानूंगी। अच्छा भाई मान लिया, बता क्या बात है? पद्मिनी दीदी को मेरी भाभी बना दो, कितनी अच्छी है वो। लेकिन तेरा भैया भी अजीब है, उसे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। भैया को पसंद आए ना आए, मुझे तो पसंद है। क्यों माँ, तुम्हें भी पसंद है ना? हाँ अच्छी है। कहाँ है वो? ऊपर, मैं उनको ले गई थी, वो कमरा ठीक करती है। अच्छा जा, स्कूल जा जल्दी। जाती हूँ। पद्मिनी बेटी, जरा घर का ध्यान रखना, नौकर बाहर गया हुआ है। मैं ये खत लेटर बॉक्स में डाल के आती हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं? लाइए मैं डाल आती हूँ। अच्छा, लेटर बॉक्स यही गली के मोड़ पर है। जाओ। कब से लगाने लगी? ए राम, कौन सा जमाना लगा है? क्या तुम इसे जानते हो? खूब कही, जानना कैसा, ये हमारे ही मोहल्ले की है और बेवा है। बेवा? हाँ, मैंने तो आज ही इसे टीका लगाए देखा है। जब तो ये बड़ी चालाक मालूम होती है। मैं अभी जाकर मोहन की माँ से कहती हूँ, वो बिचारी बड़ी सीधी है और उनका लड़का भी बड़ा सीधा है। जरूर कहिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम सब इसका कच्चा चिट्ठा बताने को मौजूद हैं। खूब आनंद करो पद्मिनी जी। हे राम, कौन सा जमाना लगा है। बड़ी दीदी, क्या हो रहा है? कौन? गंगा, आओ बैठो। दीदी, हमारा मुंह भी मीठा ना किया और अकेले ही अकेले बहू ब्याह लाई। बहू? नहीं गंगा, तुम्हें धोखा हुआ, ये मेरी बहू नहीं है, एक बेचारी गरीब लड़की है, मैंने तरस खा के घर में रख लिया है। बड़ी नेक है। नेक? मैंने तो कुछ और सुना है। क्या? इसके चाल चलन कुछ? नहीं गंगा, किसी ने तुम्हें बहका दिया होगा। मेरा मोहन कुछ ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो किसी बुरी औरत को घर में ले आएगा। खत डाल दिया बेटी? जी हाँ। मुझे झूठा समझती हैं? नहीं गंगा, किसी लड़की से ऐसी बात करना हमें शोभा नहीं देता। पूछने में क्या जाता है, मुमकिन है कि मुझे गलत मालूम हुआ हो, शंका तो दूर हो जाएगी। पद्मिनी, जरा बेटी इधर तो आना। बैठो। तुम स्टेशन के पास रहती थी ना? जी जी हाँ। तुम्हारा खुद का मकान है ना? जी हाँ। अपने मोहल्ले से क्यों चली आई? घबराने की क्या बात है, जो सच है वो बता दो। बेचारी को मोहल्ले वालों ने रहने नहीं दिया। क्यों? मोहल्ले वालों को तुमसे क्या दुश्मनी है? अच्छा होगी कुछ, ये तो बताओ
फिर तुम कुंवारी हो या बेवा? बेवा। हाँ बड़ी दीदी, ये बेवा है। क्यों जी, क्या ये सच नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी? क्यों जी, क्या ये सच नहीं कि तुम्हारा पति मर चुका? क्यों जी, क्या ये सच नहीं कि तुम अपने मोहल्ले से निकाली गई हो? बड़ी दीदी देखा, मैंने जो कुछ कहा सच निकला। ये एक बेवा है, इसी ने अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए ये टीका लगाया है। क्या तू विधवा होकर ये टीका लगाती है? जी, ये टीका मैंने नहीं, क्या मोहन ने लगाने को कहा है? ये तुम क्या कहती हो, मेरा मोहन ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। वो जानता है कि उसकी बूढ़ी माँ सिर्फ उसी के विश्वास पर जी रही है। तो फिर ये टीका इसी ने लगाया होगा, क्यों? मैंने लगाया है, लेकिन जैसे आप कहती हैं उस तरह पाप पर पर्दा डालने के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? देखा बड़ी दीदी, इससे साफ जाहिर होता है कि इसके चाल चलन अच्छे नहीं है। चुप रहो। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं झूठी हूँ? हाँ तुम झूठी हो। दीदी ये मुझे झूठी कह रही है और आप सुन रही हैं। मैं तो पड़ोसन का फर्ज पूरा करने यहाँ आई थी और आप मेरी बेइज्जती करवा रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद न थी। माता जी इनके कहने पर न जाइएगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे चाल चलन बिल्कुल अच्छे हैं, सिर्फ मेरी तकदीर बुरी है। मगर तू बेवा तो है। मगर माता जी मैंने ये सब दुनिया को धोखा देने के लिए किया है ना? माता जी तो फिर दुनिया ने तेरे चाल चलन को बुरा कहा तो क्या कसूर किया? जी हाँ, दुनिया का कसूर नहीं, किसी का कोई कसूर नहीं। माँ मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैं अभी आता हूं। मोहन इधर। मोहन क्या तू ये जानता है कि ये पद्मिनी? क्या माँ? बेवा है। हाँ ये एक बाल विधवा है माँ, नसीब का लिखा कौन मिटा सकता है। मैं तुमसे उसी वक्त कहना चाहता था लेकिन मुझे कहने का मौका नहीं मिला, बेचारी नसीब की मारी है। एक बेवा से शादी, ये नई बात कैसे हो सकती है? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी? शादी ब्याह जात बिरादरी में। माँ मोहन ठंडे दिल से सोच, ऐसी शादी से न तुझे सुख मिलेगा न उसे सुख मिलेगा और न मुझे। लोग उंगलियां उठाएंगे, आवाजें कसेंगे, किस किस के मुंह में हाथ दूंगी, किस किस की जबान पकड़ूंगी, सबकी जिंदगी एक मुसीबत बनकर रह जाएगी। और बेटा कौन सी माँ चाहे वो कितनी ही समाज सुधारक हो अपने बेटे की शादी एक विधवा से करने के लिए मंजूरी दे देगी? और जो विधवा चाहे वो बाल विधवा क्यों ना हो फिर दुल्हन बनने का विचार मन में लाती है वो अधर्मी है, पापिन है, और ऐसी विधवा को अपने घर में सहारा देना महापाप है। और इस पर भी तू उससे शादी करना चाहता है तो पहले मेरा गला घोट दे। मेरे जीते जी एक विधवा मेरे घर में बहू बन के नहीं रह सकती। क्या thank you.
दुनिया में एक पल भी न रहूंगी। मुझे यहाँ सांस लेना भी दुभर हो गया है। मेरी ये उमंग थी कि मैं दुल्हन बनूंगी, औरों की तरह मैं भी किसी का घर बसाऊंगी, लेकिन 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 क्यों? आज मैं अपनी उमंग पूरी करूंगी, आज मैं दुल्हन बन के ही रहूंगी। अब मुझे जात बिरादरी मोहल्ले वाले कोई नहीं रोक सकता, मैं दुल्हन बनूंगी। का नाम आगे करके तुम सब सीधी साधी इंसानियत भूल गए हो। मर्द ने चार चार शादियां की तो वो तुम्हें ठीक लगता है,
उस वक्त तुम्हारा धर्म नहीं डूबता, उसका सर्वनाश नहीं होता। अगर किसी बेवा के मन में शादी का विचार भी आया तो वह अधर्म है और उस बिचारी को सहारा देना महापाप है। निर्दयी राक्षस है ये दुनिया। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं पद्मिनी से शादी करूंगा। पद्मिनी, चलो पद्मिनी, हम ऐसी बेरहम दुनिया में एक पल भी नहीं रहेंगे, कहीं दूर चले जाएंगे। पद्मिनी, पद्मिनी, पद्मिनी कहां चली गई? ये बिस्तरा छोड़ के चली गई? ये तो वो कभी नहीं छोड़ती। पद्मिनी, आती है।